दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, देश बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीपा आज की वंदना सत्र में जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है उनका परिचय मंच पर मेरे से दाईं ओर आदरणीय श्री रजनीश पाठक जी। नर्मदा मैया के तट पर बसे हुए मंडला शहर में आपका जन्म हुआ, महाकौशल प्रांत है मध्य प्रदेश में। शिक्षा पूरी करने के बाद 1990 से 1997 तक अपने विद्यालय में आचार्य स्नाते आपने सेवा दी। 1998 में आपने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के चरणों को समर्पित किया, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप प्रचारक ये व्रत आपने धारण किया। 2011 में विद्या भारती के सह प्रांत संगठन मंत्री महाकौशल प्रांत, और उसके बाद 2012 में प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती स्नाते मार्गदर्शन किया। 2019 से विद्या भारती अवध प्रांत के सेवा शिक्षा संयोजक स्नाते मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका केंद्र लखनऊ में है, वंदना सत्र में आपका स्वागत। आपके दाईं ओर परम आदरणीय श्री उमाशंकर मिश्र जी, विद्या भारती योजना में वरिष्ठ की भूमिका में आज हैं आप। अनेक वर्षों तक आचार्य, प्रधानाचार्य, संभाग निरीक्षक, प्रदेश निरीक्षक, कानपुर और अवध एक प्रांत हुआ करता था, इस पूरे के आप प्रदेश निरीक्षक रहे। अन्य प्रांतों में आप संभाग निरीक्षक, प्रदेश निरीक्षक इस नाते भी आपने मार्गदर्शन किया। वर्तमान में विद्या भारती की जो बालिका शिक्षा है, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश बालिका शिक्षा के प्रमुख के नाते संपूर्ण क्षेत्र में आपका प्रवास होता है। आपका केंद्र लखनऊ में है, इस सत्र में आपका स्वागत अभिनंदन। बंधुओं बहनों, हम जिस तकनीक को यहाँ से सीख रहे हैं, ये विशेष योग्यता हम हासिल करके जा रहे हैं। हम तो सीखने के बाद इस विद्या को अगर हम और आगे बांटेंगे, बढ़ाएंगे, अपने विद्यालय के समस्त आचार्यों को ये पीपीटी का निर्माण कैसे करना रहता है ये सब सिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपका और इस वर्ग का जो पूर्ण लाभ मिलने वाला है आगे, ये निश्चित रूप से मिलेगा। इस सत्र में मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय श्री रजनीश पाठक जी से कि वो मेरी निवेदन को स्वीकार करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री रजनीश पाठक जी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, उच्च
तकनीकी सूचना संवाद केंद्र और अपना ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में आज चतुर्थ दिवस मंच पर विराजमान हम लोगों के बड़े भाई जैसे आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय हमारे साथी कार्यकर्ता राजेंद्र जी, जैसा कि हमारे परिचय में बताया कि हम 90 से 97 तक आचार्य थे, तो ऐसे हमारे साथी आचार्य बंधु और भगिनी जो अवध प्रांत के भिन्न भिन्न विद्यालयों से आए और LMS के सभी कार्यकर्ता बंधु बहनें, एक शब्द बार बार प्रयोग होता है, कई बार सही भी रहता है और कई बार वो सही नहीं भी रहता, मार्गदर्शन। तो जब कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो वो निश्चित मार्गदर्शन ही करते हैं, लेकिन हम जैसा जो कोई कार्यकर्ता जब आप लोग के बीच में आता है तो, और जब नया नया आता है आपके बीच में, तो कुछ सीखने का प्रयास करता है। और कई लोग प्रशिक्षण के पहले दूसरे दिन बताए थे कि सीखना ये जिंदगी भर चलने वाली बात है, और इसलिए मार्गदर्शन जैसा कुछ होगा ऐसा हमें नहीं लगता, आपको कुछ लग जाए तो आप लोग सोच लेना। तो हम अभी अवध प्रांत को आपके द्वारा, आपके काम और सबके द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके पहले तीन प्रशिक्षणों का बार बार बताया गया, तो तीन प्रशिक्षण में जो कानपुर, गोरक्ष और काशी के हुए, तो इस ऊपर की बिल्डिंग में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था। तो कई लोग हमें कहते भी थे कि आप आए नहीं, तो दो प्रशिक्षण के बाद तीसरी प्रशिक्षण में हम वहाँ आके बैठते थे केवल, अभी जो पिछला बीत गया गोरक्ष का, और तब हमने कहा था कि जब अवध का होगा तब हम पूरे समय बार बार आएंगे, ऊपर भी आएंगे, वीडियोग्राफी कहाँ हो रही वो भी देखेंगे, कौन कौन आचार्य जी आए हैं वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। दो प्रशिक्षण तक इधर क्या कितना बढ़िया बन गया इसके, क्योंकि दो चार महीने पहले हम देखे थे ये सब, और फिर ये क्या बन गया LMS के और ये सब सूचना तकनीकी, हमें कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अब जब तीसरा और चौथा प्रशिक्षण आया तो इसको देखे सारा, तो लगा कि वास्तव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। तो आपको समझने और आपके द्वारा समझने के क्रम में कुछ आपसे हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद आप अपनी बातें रखेंगे। अपने में जो एक विषय से ज़्यादा में पोस्ट ग्रेजुएट हैं ऐसे कितने हैं? चलो इसको और सरल करते हैं, तीन विषय से भी ज़्यादा में पोस्ट ग्रेजुएट हैं एक, तो हम पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, हम डिग्री हमें नहीं चाहिए, लेकिन दो साल में एक PG है उत्तर प्रदेश में, कितने साल में होता है? दो ही साल में, तो दो साल में एक सब्जेक्ट का PG होता है, ठीक है, हम एक सब्जेक्ट की PG की पढ़ाई कर लेंगे, परीक्षा भले देंगे या नहीं देंगे बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट की PG की पढ़ाई कर लेते हैं हर दो तीन चार साल के बीच में, एक सब्जेक्ट का PG का जितना भी वो पाठ्यक्रम होता है उसको हम पढ़ लेते हैं, परीक्षा नहीं दिए हैं। ऐसे तो कोई नहीं है कि हम पढ़ लिए सोशियोलॉजी का PG पढ़ लिए या फलाने का गणित का पढ़ लिए, समझे नहीं समझे, परीक्षा दिए नहीं दिए अलग विषय, ऐसे कोई है क्या? पढ़ते हैं परीक्षा नहीं देते, अच्छा जो पढ़ते हैं वो परीक्षा भी देते हैं और पास भी होते हैं। तो ये तो प्रशिक्षण से संबंधित थोड़ा मामला था, लेकिन हमको जो बात करना है वो है, बार बार परिचय में बताया जाता है कई लोगों के कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, तो दो चीज़ इसमें समझने लगती है, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है और दूसरा प्रचारक क्या है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ, ये तीनों शब्द को समझने से थोड़ा 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 हम पढ़े लिखे लोगों को समझ आ जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो राष्ट्र के हित के बारे में विचार करती होगी, कोई ना कोई ऐसा दल, संगठन, व्यवस्था, संस्था होगी जो राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मान के और विचार और विचार के अनुसार काम करती होगी। ऐसा पढ़े लिखे लोगों को सामान्य शब्दों से ही समझ आ जाता है। अब इसमें बीच का शब्द आता है स्वयं सेवक, इसका जरूर कई जगह भ्रम होता है, कई लोग को लगता है स्वयं की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है, इस शब्द का बड़ा विस्तारित अर्थ है, और विस्तारित के साथ साथ
जीवन के द्वारा किया हुआ अर्थ केवल ये शब्द नहीं है, ये जो स्वयं सेवक है ये डॉक्टर हेडगेवार जी से लेके आज तक सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा, सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा अपने जीवन में जिया हुआ और एक जीवन है, वन लाइफ वन मिशन जिसको कहते हैं, उस वन लाइफ वन मिशन के द्वारा एक जिया हुआ जीवन है। कोई पुस्तकों में पढ़ी लिखी हुई बात नहीं है। कैसा स्वयंसेवक, तो उस एक व्यक्ति सामने दिखता है उसका जीवन कैसा होता है वो देख के और स्वयंसेवक के जीवन को और समझा जाता है, और वो समझ के फिर कैसा होता है तो श्री गुरु जी, आप लोग दाढ़ी वाली एक फ़ोटो कभी कभी देखे होंगे, बहुत विद्वान प्रोफेसर, लेकिन जब डॉक्टर जी के संपर्क में आते हैं और डॉक्टर जी के जीवन को देखते हैं, बार बार समझते हैं, तब उनको लगता है कि यार ये मेरी विद्वता है तो बहुत, लेकिन मेरा जीवन अभी कुछ नहीं है। मैं विद्वान हो सकता हूँ लेकिन मेरा जीवन अभी चार लोगों को प्रेरणा देने वाला नहीं है। और इसलिए कई ऐसे अवसर आते हैं शुरू शुरू में जब गुरु जी को लगता था कि ये डॉक्टर हेडगेवार तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, डॉक्टरी पढ़े हैं जरूर, लेकिन मैं इनसे बहुत विद्वान हूँ, लेकिन जब धीरे 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 और कई ऐसे अवसर आए जब उनको समझ आया कि नहीं, ये पढ़ाई लिखाई एक चीज़ हो सकती है लेकिन ये जीवन जो होता है, जिसको जीने का ढंग होता है, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। और इसलिए उनके 1940 में डॉक्टर जी के निधन के समय तक गुरु जी और डॉक्टर जी का इतना साथ हो जाता है, डॉक्टर जी गुरु जी को इतना समझ लेते हैं, गुरु जी डॉक्टर जी को इतना समझ लेते हैं कि जो 1940 से उनके साथ थे डॉक्टर साहब के साथ, उनको न बना के और गुरु जी को मुखिया बना देते। एक व्यक्ति का टच दूसरे व्यक्ति को कितना कैसा आगे बढ़ा सकता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और नित्य प्रति शाखा के द्वारा होता है। तो परिवर्तन के दो प्रकार सामान्य रूप से दिखते हैं। एक होता पारस पत्थर वाला परिवर्तन। पारस पत्थर सब जानते होंगे कि पारस पत्थर किसी को एक धातु होती है, उसको छूता तो उसको सोना बना देता है, फिर उसको छूता दूसरे, फिर किसी एक धातु उसको छूता तो सोना बना देता है। लेकिन पारस पत्थर किसी चीज़ को पारस पत्थर नहीं बना सकता, उसमें वो क्षमता वो गुण नहीं है कि वो किसी को छुए और पारस पत्थर बना दे, और जिससे कि फिर उसमें भी वो ताकत आ जाएगी जिससे वो अनेक चीज़ों को सोना बनाने की। उसकी अपनी ताकत है कि वो किसी को छूता है तो सोना बना देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी को छुए और उसको पारस पत्थर बना दे और फिर उसके जैसी ताकत उसके अंदर भी आ जाए। लेकिन दूसरा उदाहरण, अपन अभी दीप जलाए, अपनी पद्धति दीप जलाने वाली है, एक दीप से जले दूसरा, इससे अभी दूसरा दीप जला दिए, अगर पहले हम आए थे तब वो बस जल रहा था, फिर हम इसको जला दिए, अब उस दीप में भी उतनी ताकत है, वो भी सैकड़ों को प्रज्वलित कर सकता है और ये भी सैकड़ों, अपने जैसे ये भी 100 दीप जला सकता है और अपने जैसे वो भी सैकड़ों दीप जला सकता है। तो हमारी पद्धति कौन सी है, पारस पत्थर वाली नहीं। हम बहुत विद्वान हैं, बहुत विद्वान आचार्य हैं, महत्व का है, लेकिन हम कम विद्वान आचार्य हैं, लेकिन अपने जैसे सैकड़ों लोग अच्छे विद्यार्थी तैयार कर देते हैं। हम बहुत विद्वान हैं आचार्य, लेकिन अपने जैसे 2-4-5 अच्छे लोग नहीं तैयार कर सकते, उसका महत्व कम है, महत्व होगा, लेकिन हम जितने विद्वान हैं अपने जैसे लोग तैयार करते जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जिस काम को स्वीकार किए हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उस काम के लिए हम दीपक वाली व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। और इसलिए फिर शुरू में दूसरे दिन विषय आया था, पहले या दूसरे दिन हमारा लक्ष्य, उसकी आप सबसे हेमजी भाई साहब पूछताछ किए थे, और पूछताछ करने के बाद बहुत कुछ संतोषजनक सा वातावरण नहीं दिखा था कि जिनको अच्छे से हमारा लक्ष्य मालूम हो, और मालूम है तो फिर उसको करते कितना है। तो उसकी कुछ चर्चा, उसमें जो
आदि चर्चा तो हो गई कि हमारे शरीर का, मन का, प्राण का, बुद्धि का, इसका सबका विकास कैसे करना, इसकी दो तीन चरणों में अलग अलग समय में बात आई, पहले भी आपके बीच में आई होगी, शरीर का अच्छा कैसे कैसे विकास करना, नींद और मिदभूख हिदभूख ये सब अभी रेखा दीदी बताई थी, फिर मन का कैसा, सबका विकास कैसे करना। लेकिन ये सब विकास हो जाएगा जब, तो फिर इस शरीर को काम में किस लगाना, इस मन को किस काम में लगाना, इस बुद्धि को किस काम में लगाना, तो फिर हमारे उसका दूसरा चरण आता है, क्या आता है कि और उसका जीवन गिरी कंदराओं झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बंधु बांधवों को सामाजिक शोषण कुरीति अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस सुसंपन्न सुसंस्कृत बनाने के लिए, तो सारा विकास करना है। लेकिन ये शब्द जो बात के हैं, दीन दुखी अभावग्रस्त शोषित पीड़ित, ये जो अपने बंधु हैं, तो कहते हैं अपने क्या कहते हैं, जाके पैर ना फटी बीमाई वो का जाने पीर पराई। तो जिसने गरीबी देखा नहीं, अभाव देखा नहीं, जिसकी अलमारी में 20 साड़ी हैं, 12 जोड़ी पैंट शर्ट हैं, वो क्या जानता है कि एक जोड़ी कपड़ा वाले कैसा होता है। तो आँख से देखे बिना समझे बिना अभाव समझ नहीं आता। इस प्रदेश देश में एक मुख्यमंत्री हुई, अब नहीं है, निधन हो गया, लेकिन उनके यहाँ जब वो मुख्यमंत्री थी, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, तो उनके यहाँ छापा पड़ा तो 1,000-1,200 साड़ियाँ निकल रही हैं, तो 2,400-500 जोड़ी सैंडल चप्पल जूता निकल रहे हैं। जयललिता, कितना चाहिए तो बताया गया है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अभी स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक एक अलमारी भर, दो अलमारी भर, एक कमरा भर, दो कमरा भर, ये नहीं तो क्या, दीन दुखी अभावग्रस्त झुग्गी झोपड़ी जिसने देखा नहीं वो इसको समझ नहीं सकता। और इसलिए फिर संघ में पहले से और अपने विद्या भारती में भी बहुत समय से ये बात आ गई, लक्ष्य के समय से ही आ गई, उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए जब आपका संगठन के बारे में बताया जाता है, तो उस दिन जय प्रताप सिंह जी बता रहे थे इतने हमारे औपचारिक विद्यालय हैं, इतने हमारे अनौपचारिक विद्यालय, जिसको एकल विद्यालय और संस्कार केंद्र के रूप में हम चलाते हैं। तो जितनी हमारी औपचारिक शिक्षा 10वीं 12वीं 8वीं के स्कूल जरूरी हैं, उससे कम जरूरी वो 1 घंटा 2 घंटे का चलने वाला संस्कार केंद्र नहीं है, जितना जरूरी है 6-8 घंटे का चलने वाला स्कूल है, विधिवत पीरियड बाय पीरियड 40 मिनट की क्लास वाला, उतना ही जरूरी है 2-1.5 घंटा का चलने वाला संस्कार केंद्र है, उतने ही जरूरी 1-1.5 घंटे का चलने वाला एक एकल विद्यालय है। उससे ये जो हमारा 1,000 बच्चों का 6 घंटा चलने वाला स्कूल है, विद्यालय है, इसके भैया बहन आचार के लिए वो कार्यशाला है, वो 1 घंटे का चलता होगा, 1 स्थान में चलता होगा, लेकिन क्या हम सारे लोगों ने उसको जाके देखा है क्या? अरे नहीं, वो एक आचार्य जी हैं, उनकी व्यवस्था, वो जाते आते हैं, पता नहीं क्या, हाँ जाते तो हैं, कभी कभी हम लोग भी ट्रॉफी बांटने जाते हैं या कुछ ऐसा होता तो है वहाँ, नहीं, ये सब आचार्य का काम है। ठीक है, हम साल में रोज नहीं जाएंगे, साल में 2 ही बार जाएंगे, लेकिन वो बीमारी का अनुभव तो हमको करना पड़ेगा ना, दीन दुखी अभावग्रस्त तो हमको देखना पड़ेगा। तो हम 1998 में जब नए नए प्रचारक निकले, तो वो दूसरे ही साल जिला प्रचारक थे, तो एक हमारे यहाँ प्राथमिक वर्ग चलता है, तो प्राथमिक वर्ग में जाने के लिए हम एक डिंडोरी जिला का एकदम अंदर गांव, तहसील अमरपुर है, उसमें गए, शाम को पानी बरस गया, तो हमारे एक जैन साहब, तो उनने कहा भाई साहब अभी मत जाओ, मोटरसाइकिल आपकी राजदूत बहुत फंसेगी और ये आप जा नहीं पाओगे। अब उस समय आप 30 साल के थे, तो एकदम ऐसा था कि अरे जैन साहब आप कहाँ बता रहे हो, रहते ही हैं। हम कहा ठीक है निकलते, परसों से हमारा वर्ग है, सब देखना पड़ेगा, जैसे हम ही सब कर रहे हैं, रहता भाव। 1.5 किलोमीटर चले वो मोटरसाइकिल, जैसा वो जैन साहब बताए थे वैसे ही फंस गई,
तो दो लोग हमारे साथ जो और थे तो वो भी थोड़ी 10 कदम चले, फिर मोटरसाइकिल की मिट्टी निकालें, फिर आधा थोड़ा चले, फिर मिट्टी निकालें, ऐसा ऐसे करते करते 3-5 किलोमीटर चले, फिर हिम्मत तीनों हार गए। और फिर एक लगभग 1:30 बज गया इतना सब करने में, तो एक घर में खटखट आए, झोपड़ी थी हमारा, हम जहाँ के वो वनवासी क्षेत्र है, तो झोपड़ी थी, तो हमने खटखटाया, वो आदमी बाहर तो आया लेकिन बिल्कुल भी अंदर आने को हमसे कह नहीं रहा था। हम कह सोचे कैसा आदमी है, अंदर ही आने नहीं कह रहा। वो हम लोग की हालत ऐसी थी 4-5 घंटे में कि बिल्कुल कुछ तो भी बैठने मिल जाए, और वो बिल्कुल अच्छे से बातचीत तो कर रहा था लेकिन अंदर आने नहीं कह रहा था। फिर भी जब एक 10-5 मिनट की बातचीत इसमें वो नहीं आने कहा, तो हमने कहा चलो यार बाल मुकुंद चलो अंदर। तो बाल मुकुंद महेंद्र हम जैसे ही घुसे, वो एक ही अकेला कमरा था उसका, तो उसको चाहे ड्राइंग रूम कह लो, चाहे ड्रेसिंग रूम कह लो, चाहे वो जितने रूम होते हैं घर में, वो अकेला ही रूम था। तो बेचारा उसी में उसकी बच्चे पत्नी सब थे, उसकी हिम्मत ही नहीं थी। तो तब हमको समझ आया कि बीमारी, अभाव, पीड़ा, उसका मन होगा, मन से वो चाहता ही होगा कि ये अब 1 बजे रात को हमारे घर आ गए तो इनको हम अपने घर में बैठा लें, लेकिन मन होने के बाद भी उसकी हिम्मत थी क्या? मन होने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी हम लोग तो अब घुस ही गए, तो उसने 2-3 ठो बोरा जिसमें अनाज भरते हैं वो ला के दे दिया। उसी में बैठ के हम लोग उस बोरों में बैठे रहे 3-4 घंटा 5 घंटा, जैसा थोड़ा उजेला हुआ 5 बजे 4:30 बजे 5 बजे का समय, फिर वही प्रक्रिया करते। तो ये जब तक हम अपनी आँख से नहीं देखते, अपने खुद के द्वारा नहीं समझते, तब तक ये जीवन का अनुभव नहीं होता। और इसलिए अपने बहुत सी बातें कही गई हैं इनको समझने के लिए और अपने जीवन को वैसा बनाने के लिए, और स्वयं सेवक का या कार्यकर्ता का जीवन जीने के लिए। आप लोग को कार्यकर्ता ही कहा जाता है, तो जब कार्यकर्ता शब्द बन जाता है, आप विद्या भारती के आचार्य शब्द है लेकिन कार्यकर्ता भी हैं, तो जब कार्यकर्ता शब्द बन जाता है तो उसकी 4 विशेषता उसके अंदर घुस जाना चाहिए। तो वो 4 विशेषता कौन सी होती हैं? पैर जो है, पैर में चक्कर, वो पैर में चक्कर किस काम आता है? आपके एक संपर्क व्यवस्था है, तो वो पैर में चक्कर क्या आपको इस भैया के घर, उस बहन के घर, उस भैया के घर, उस बहन के घर, 30-35 की क्लास है तो महीना भर में 1-2 बार सबके घर, तो पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, हृदय में आग, एक भी भैया बहन हमारी 30-35-40 की क्लास का कमजोर नहीं रह जाएगा। ये आग हृदय में हर हमारे जो कार्यकर्ता आप लोग हैं, हम हैं सब में, कि हमारी जितने की भी क्लास है एक भी भैया बहन कमजोर नहीं रह जाएगा, ये आग हमारे हृदय में चाहिए। और इसके करने के लिए फिर मस्तिष्क में बर्फ ठंडे मन से, ये आग को इधर नहीं ले जाना, हृदय की आग है कि दिमाग में चली गई तो वो बेकार हो जाएगी। जो चीज़ को जहाँ रहना है उसको वहीं रहना है, पैर का चक्कर मुंह में नहीं आना चाहिए, मुंह की शक्कर पैर में नहीं जाना चाहिए। तो पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, मीठे ही बोलना, अरे तुम तो पढ़ ही नहीं सकते जी, तुम कभी 10वीं पास हो गए? कई आचार्य जी बोल देते हैं, इधर बोलते कि नहीं, हमारे बोल देते थे कभी कभी, तुम 10वीं पास नहीं हो सकते। हमारे भी साथी एक आध दो आचार्य कभी बोल देते थे, फिर हमारी उनसे बहस भी होती थी, अरे तुम 10वीं पास नहीं, वो नहीं हो सकता, तुम करा नहीं सकते, तुम्हारे में क्षमता नहीं है कि तुम इतना पढ़ा दो कि वो 10वीं पास हो जाए। वो तो आया है, वो तो अपने को सौंप के आ गया, फीस दे के आ गया आपके पास, आप उसको क्या बता रहे हो कि तुम जीवन भर 10वीं पास नहीं हो सकते। तो जैसा आया है उसको हम लेके रहते हैं, कैसा बनाना है? लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास, अरे हम बनना लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसा और भरना मानवता के जितने संकट कष्ट हैं, वो सारे जगह अलग अलग तरीके से वही कहा गया। और इसलिए रामायण में भी कहा
परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिस तरफ से देखो कुल मिला के ये भलाई, ये ही अपने जीवन का, अपने काम का सार है। दूसरी तरफ व्यास जी को हम सुनते हैं, बहुत लिखा पढ़ा व्यास जी ने, बहुत लिखने के बाद उनको लगा कि यार इतना सारा कौन पढ़ेगा और हम सब पढ़ते भी नहीं। तो उसने फिर अंत में लिखा अष्टादश पुराणेशु व्यासस वचनम द्वयम। इतना सारा लिखने के बाद क्या लिखा कि दो ही वचन है उनके, परोपकाराय पुण्याय पापाय। इसको सरल शब्द समझ लेंगे कि इतना सारा आप वेद पुराण ये सब, चार वेद ये, अठारह पुराण ये सब कौन पढ़ पाएगा। लेकिन उन सब का सार दो लाइन में लिख दिया, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो ये इस प्रकार का भैया बहन हम बना रहे हैं कि नहीं। और इसलिए कई बार कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। कल हम एक कॉमर्स वाले आचार्य जी की क्लास में थे, किनकी में थे भैया, किसी कॉमर्स वाले आचार्य जी, तो कॉमर्स विषय इसको नहीं मानता, कॉमर्स वाला विषय इसको नहीं मानता। हमारे आध्यात्म का विषय तो कहता कि नेकी कर और दरिया में डाल। कॉमर्स क्या कहता है, पहले लिख बाद में दे। पाँच रुपये भी देना है तो पहले लिख लो कि रजनीश पाठक को इतनी तारीख को हम पाँच रुपये दिए। तो इसलिए नेकी कर दरिया में डाल या अध्यात्म का सिद्धांत हो सकता है। अपन लोग उसको थोड़ा उसमें कॉमर्स डालें और नेकी करें, उसका थोड़ा हिसाब किताब भी रखें कि भाई हम जो कर रहे हैं, जैसे हम विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं। और इसलिए फिर कभी कभी रोज के काम में नहीं, जो हमारा पुराना छात्र भैया बहन निकल गया 5 साल 7 साल पहले, उसके अंदर ये सब कुछ गया था, इस समय हम भर दिए, वो उसका जीवन कैसा चल रहा है, ऐसा उपयोगी चल रहा है कि नहीं। तो अभी ये कोरोना का काल आया तो हम जिस विद्यालय के आचार्य थे, अभी इधर मार्च में 19 तारीख को हम यहाँ से चले गए और 20-22 से सब ऐसा फंस गया मामला, तो 6 महीने तो हम यहाँ आ नहीं पाए, तो 2 महीने जबलपुर में फंसे रहे और 4 महीने अपने शहर मंडला में फंसे रहे। तो उसी समय ये चल रहा था कि जो हमारे पुराने भैया बहन हैं उनसे भी और सहयोग लिया जाए। ये सब संकट आ गया इस समय, तो उस समय इस समय जो वहाँ प्रधानाचार्य है वो हमसे कहे, भाई साहब आप भी पढ़ाते थे 92, 94, 95, तो आप कुछ ऐसे नाम बता दो कि जो कुछ हमें सहयोग कर सकते हैं। हम कह रहे आदित्य है, ये सब उस समय ये भी सब भी पढ़ाते थे, इनको सब मालूम, जिनको हम पढ़ाए उनको सब ये भी आदित्य है, सुनील है, ये सब पढ़ाए, आप प्राचार्य वस्तु नए हो, बाकी आधा स्टाफ तो वही है जो हमारे समय था। तो बोले नहीं, फिर भी कुछ तो ऐसे होंगे जिसको आप जानते होंगे। तो करते करते बात करते करते पता चला कि उस समय तक, उस डेट तक जब हम उससे बात कर रहे थे वहाँ प्रधानाचार्य जी से, उनने कहा भाई साहब अभी तक 12 लाख रुपये हम इकट्ठे कर लिए हैं अपने पुराने भैया बहनों से। तो हमने कहा यार सब लोग सब नाम तो बताए होंगे कि नहीं, सिद्धांत शाह का नाम ये कोई नहीं बताए होंगे, क्योंकि वो 5वीं के बाद चला गया था और 6वीं 7वीं 8वीं 4वीं में आया था और 5वीं में चला गया था, 2 ही साल रहा। तो वो सारा रिकॉर्ड देखते, हाँ भाई साहब सिद्धांत का नाम नहीं आया। फिर हम कहा ढूंढो अब कहाँ है क्या है, तो बाद में चला के उसको भी ढूंढ लिए, उससे भी 5100 रुपया बुलवा लिए। तो हम कब 97 छोड़ दिए, लेकिन आज हमें लग रहा कि यार वो सिद्धांत साहब को याद करके हमने थोड़ा सा उस समय जो वहाँ के आचार्य थे उसका कर्ज थोड़ा सा चुका दिए कि एक नाम हमने भी बताया और उसने दे भी दिया कि यार वो तुम्हारे रजनीश पाठक आचार्य जी कोई थे, वो बता रहे थे कि तुम भी पढ़े हो, आजकल छत्तीसगढ़ में हो लड़का, काय में हमें नहीं मालूम। तो ये टेस्टिंग भी कभी कभी हम करते रहते हैं क्या, ऐसा 2-3 और नाम बता दिए। हम कहे आकाश सिंह है, तो वो आकाश सिंह को वो लोग नहीं ढूंढ पाए, सिद्धांत शाह को, सिद्धांत को ढूंढ लिए। तो ये हमारी टेस्टिंग इस कोरोना काल में इसका बड़ा अवसर था हमारे पास कि हमारी पूंजी जिसको कहते ना, पुरानी पूंजी जिसको चेक कहते हैं, उनको इस समय टटोलने का मतलब था, टटोलने का समय था। और इसलिए फिर
दोनों ध्यान रखना, वर्तमान में वैसा निर्माण होता जाए और पुराने की वैसी टेस्टिंग होती जाए, ये बात ध्यान रख के और हम अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे। फिर एक और बात आती है कि ये जो सारी पद्धति चल रही है और इसमें अंत में कहते हैं, किसी भी लाइन के अंत में कहते हैं, कोई भी प्रबंध ना हो, प्रार्थना हो, सब है, और कहीं ना कहीं एक शब्द आ जाता है, भारत माता की जय। ये सब करते करते विश्व का कल्याण बाद की कल्पना है, लेकिन पहले कल्पना हमारी क्या है, भारत माता की जय। अभी तो जब भारत माता की जय होगी तो विश्व में शांति भी होगी, विश्व का कल्याण भी होगा। जो शांति चाहने वाला देश है जब वो दमदार होगा, तभी सारे देश दुनिया में शांति, जो क्रांति चाहने वाला होगा वो दमदार होगा तो शांति होगी क्या? शांति चाहने वाला जब दमदार होगा तो फिर वो शांति स्थापित करेगा, क्रांति चाहने वाला जब दमदार होगा तो वो क्रांति स्थापित करेगा। और इसलिए ये सब करते करते हम जो भी कर रहे हैं, इससे भारत माता की जय का वातावरण बन रहा है क्या? यदि इस वातावरण को बनाने में हम सहायक कार्यकर्ता सिद्ध होते हैं, तभी हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे द्वारा तैयार किए गए भैया बहनों की जीवन की सार्थकता इन शब्दों में है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। इन छोटी छोटी सब मालूम हुई बातों को ही हमने आपको, ऐसा एक भी लाइन नहीं होगी जिसको हमने आपको नया बताया है, लेकिन अपने आयुर्वेद पद्धति है जिसमें कहते हैं कि एक बार पीसो, दो बार और बारीक पीसो, तीन बार, कई कई बार एक परत से नहीं छानना, दो परत से छानना, तीन परत, आठ आठ परत से छानने की व्यवस्था भी आयुर्वेद की पद्धति में बताई है। तो ये जो चीज़ हम बताए हैं ये सब आपको मालूम है, लेकिन फिर से याद दिलाने के लिए और पुनर्स्मरण कराने के लिए आप सबके बीच में विषय रखा है। आप सबने जो कुछ ध्यान किए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम मिलते ही रहेंगे, ध्यान दिलाते रहेंगे। अभी हम 2005 साल तो ये लोग जब तक जल्दी से हमें मध्य प्रदेश से अब उत्तर प्रदेश आए, तो उत्तर प्रदेश जल्दी नहीं भगाएंगे, तब तक हम यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए कोई आज बोल दिए तो नहीं, अपन मिलते रहेंगे, व्यक्तिगत भी बात करेंगे, मिलके भी बात करेंगे, आपकी हम सुनेंगे, हमारी आप सुनोगे, और ऐसे सुनते सुनते सीखते सीखते अपन अपने काम को अवध प्रांत में और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतना ही पर्याप्त। शोषित पीड़ित दलित जनों के कष्ट मिटाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, ऐसा भाव विद्या भारती का जो लक्ष्य है उसमें परिलक्षित होता है, और वो पूरा का पूरा स्वरूप हम आचार्य हैं, और एक दीपक की तरह एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, ऐसे अपने जैसे और अनेक अनेक ऐसे विद्यार्थियों को, छात्रों को बनाते हुए और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का काम ये शिक्षक का होता है। ऐसा भाव आपके द्वारा आज की इस वंदना सत्र में एक पाथेय के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। और चूँकि आपने आचार्य इस नाते बहुत वर्षों तक ये कार्य किया है, सेवा की है, जिसको हम लोग अब कर रहे हैं, ईश्वरी कार्य। एक पर्चे, विद्या भारती अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी रूमा कानपुर में, ये एक बड़ा नाम, बड़ा काम विद्या भारती का, उसके डायरेक्टर के रूप में इस समय श्रीमान शक्ति जी हम सबके मध्य में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, और हम सब आचार्य बंधु बहनों को भी ये ध्यान में आ जाए कि रूमा का ये बहुत बड़ा प्रकल्प है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खेल के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका ऐसा निभाने वाला है। निदेशक के नाते आपका आगमन हुआ है और इस कार्य को आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।